Hello friends, I'm Rakesh and you are watching Learn English through practice. Today my subject is special practice for tense and basic. तो चलिए start करते हैं. Start करने से पहले एक बहुत ही important information आपके साथ share करना चाहूँगा कि ये जो practice session है, जो tense मैंने बताया उसमें आपको कुछ practice देना चाहता हूँ ताकि वो आपका concept clear हो. तो वहाँ पे आपने पाया था कि मैंने subject को हटा करके सारे practice दिए. आज मैं subject को ले करके practice दे रहा हूँ और इसमें एक ही प्रकार के सब्जेक्ट को मैं बार बार यूज करूंगा, ठीक है. और मेरा क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन हो गया जैसे कौन पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ता है का रीड्स होगा, तो राम श्याम ऐसे कुछ एक ही सब्जेक्ट को मैं बार बार रिपीट करूंगा और आप भी कर सकते हैं. इससे कॉन्सेप्ट हमारा ज़्यादा क्लियर होता है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, है ना. और इसे हम लेंदी लेंदी सेंटेंसेस बनाएंगे और आप देखिएगा कि काफ़ी आसानी से बढ़ता है. पहले हमने ऐसे बनाया था कि कौन, सॉरी, मैंने बनाया था पढ़ना चाहता था, वांट्स टू रीड, है ना. इस प्रकार से आपने देखा होगा. लेकिन आज कौन पढ़ना चाहता है ये मैं बोलूंगा और आंसर पहले से लिखा रहेगा. कोई तो होगा जो पढ़ना चाहेगा, राइट. तो हम स्टार्ट करते हैं. कौन जाना चाहता है, तो सब्जेक्ट में ऑलरेडी लिखा, प्रीडिकेट लिखना है. कौन जाना चाहता, तो राम वांट्स टू गो. कौन मार्केट जाना चाहता, राम लिखा हुआ, इसके लिए सोचना ही नहीं, वांट्स टू गो टू मार्केट. कौन मार्केट जाना चाहता है सब्जी खरीदने के लिए, राम वांट्स चाहता है गो टू मार्केट. किस लिए, टू बाई वेजिटेबल. कौन बच्चों को पढ़ाना चाहता है, राम वांट्स बच्चों को पढ़ाना, टू टीच चिल्ड्रन. कौन उन बच्चों को पढ़ाना चाहता है जो नटखट हैं, तो राम वांट्स टू टीच द चिल्ड्रन, उन बच्चों को हु आर नॉटी. खेलता रहता है राम, कीप्स ऑन प्लेइंग. कौन सुबह शाम खेलता रहता है, राम keeps on playing evening and morning. कौन सीखता रहता है, अपना भी चेंज कर सकते हैं, सीखता, keeps on learning. कौन कंप्यूटर सीखता रहता है जॉब पाने के लिए, तो सीता keeps on learning, क्या होगा, कंप्यूटर to get job. I hope क्लियर हो रहा है. किसको खेलने का मन करता है, सीता मन करता है, feels like प्ले. किसको पढ़ने का मन करता है, सीता feels like reading. किसको खाने का मन नहीं करता है, सीता does not feel like eating. किसको समोसा खाने का मन नहीं करता है, तो बस समोसा ही आगे लिखना, सीता does not feel like eating समोसा. किसको पढ़ने का मन नहीं करता है, सीता doesn't feel like reading. किसको बिना किताब को पढ़ने का मन नहीं करता है, सीता doesn't feel like reading, बिना किताब के, without book. कौन सीखने की कोशिश नहीं करता है, राम या राज does not try, कोशिश नहीं करता है, किस लिए, to learn. कौन इंग्लिश सीखने की कोशिश नहीं करता है, राज does not try, नहीं कोशिश करता, to learn English. कौन सोचने लगता है, राज begins, लगता है क्या करने, to think about his future. कौन अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता है, जब वह रिजल्ट के बारे में बात करता है, जब वह रिजल्ट के बारे में बात करता है, तो राज begins to think about his future, कब, when he talks about his result. थोड़ा सा कंटिन्यूअस भी देख लेते हैं. कौन जा रहा है, राम इज गोइंग. कौन पढ़ने जा रहा है, तो क्या होगा, राम इज गोइंग टू रीड. कौन पढ़ाने जा रहा है उस स्कूल में जिसका प्रिंसिपल बीमार है, तो कौन पढ़ाने जा रहा है, राम इज गोइंग टू टीच उस स्कूल में, इन द स्कूल जिसका प्रिंसिपल प्रिंसिपल is ill. किसने बच्चों को पढ़ाने के लिए, कौन बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली जा रहा है, सीता is, कहाँ जा रहा, going to Delhi, किस लिए, to teach children. कौन एक कंप्यूटर खरीदने जा रहा, you are, तुम जा रहा, you are going to buy a computer. कौन एक कंप्यूटर खरीदने जा रहा है जो ग्राफिक्स सीखने के लिए, तुम जा रहे हो, यू आर
going to buy a computer. क्या सीखने के लिए? To learn graphics. कौन रिक्स लेने जा रहा है? They are going to take. कौन पैसा कमाने के लिए रिक्स लेने जा रहा है? They are going to take risk to earn money. कौन लिखने की कोशिश नहीं कर रहा है? तुम कोशिश नहीं कर रहे. You are not trying to write. कौन पत्र लिखने की कोशिश नहीं कर रहा है? You are not trying to write a letter. कौन नई किताबों को खरीद रहा है पढ़ने के लिए? You are buying. तुम खरीद रहे हो. क्या? You are buying new books to read. अब परसेंट परफेक्ट में थोड़ा देख लेते. कौन गया है? Ram has gone. जा चुका है या गया? कौन पढ़ने गया? Ram has gone to read. कौन पत्र लिखने गया? Ram has gone to write a letter. किसने मुझे मारने की कोशिश किया? Ram has tried. राम ने कोशिश किया. किस लिए? To beat me. कौन किसने इंग्लिश बोलने के लिए रैपिडेक्स को फिनिश कर दिया है? मोहन क्या कर दिया? फिनिश कर दिया. प्रेजेंट परफेक्ट का हैज फिनिश. किसको फिनिश किया? रैपिडेक्स. किस लिए? टू स्पीक इंग्लिश. किसने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक नया सिस्टम डेवलप किया है? सीता. सीता ने क्या किया? डेवलप किया. सीता हैज डेवलप अ न्यू सिस्टम. किस लिए? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए. टू टीच हर चिल्ड्रन. अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा था. कौन बिजी रहा है? दे हैव बीन बिजी. कौन बिजी रहा है सुबह से? दे हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग. कौन 2 सालों से खेलता रहा है? दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 ईयर्स. कौन 2 सालों से इस शहर में रह रहा है अपने बच्चों के साथ? दे हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 2 ईयर्स. किसके साथ? विथ हिज चिल्ड्रन. दे है तो देयर चिल्ड्रन. मैं थोड़ा बेसिक देख लेता हूँ. कौन तैयार है? दे आर रेडी. कौन जाने के लिए तैयार है? दे आर रेडी टू गो. कौन अंग्रेजी सीखने के लिए तैयार है? दे आर रेडी टू लर्न इंग्लिश. कौन चाबी खोज रहा था? वी वर लग गया क्योंकि रहा रही थी. वी वर लुकिंग फॉर कीज. किसके पास समय था? आई हैड टाइम. किसके पास समय था पढ़ने के लिए? आई हैड टाइम टू रीड. किसके पास समय था इंग्लिश सीखने के लिए? आई हैड टाइम टू लर्न इंग्लिश. किसको जाना पड़ा? आई हैड टू गो. किसको खाना पड़ा? आई हैड टू ईट. किसको सीखना पड़ेगा? यू विल हैव टू लर्न. पड़ेगा देखिए पढ़ता है मैं हैव लगेगा. पढ़ा था है सिर्फ हैड लगेगा. अब पड़ेगा विल हैव. किसको रिक्स लेना पड़ेगा? दे विल हैव टू टेक रिस्क. किसको रिक्स लेना पड़ेगा जॉब पाने के लिए? दे विल हैव टू टेक रिस्क टू गेट जॉब. कौन जाने वाला था? राम वाज टू गो. कौन पढ़ने वाला था? राम वाज टू रीड. कौन हिस्ट्री पढ़ने वाला था? राम वाज टू रीड हिस्ट्री. कौन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने वाला होगा? राम होगा तो यहाँ था नहीं होगा विल बी टू प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड. कौन पटना जाएगा पढ़ने के लिए? राम विल गो टू पटना रीड. कौन सीख सकता है? सीता कैन लर्न. कौन ग्रामर सीख सकता है? सीता कैन लर्न ग्रामर. कौन इंग्लिश बोलने के लिए सीख सकता है? सीता कैन लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश. कौन डॉक्टर बनेगा? राम
will be a doctor. कौन दिल्ली का डॉक्टर बनेगा? राम विल बी अ डॉक्टर ऑफ दिल्ली. आई होप कि आपको अच्छा खासा आइडिया मिल चुका होगा. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी. थैंक यू वेरी मच.